नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल धाकड़ क्रिकेट में। आईपीएल 2021 के फेज 2 के लिए रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने अपनी टीम में कई बड़े बदलाव किए हैं। जहां तक बात करें रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की, तो कई खिलाड़ियों को शामिल किया है तो साथ ही साथ अपना हेड कोच भी बदल दिया है। यानी कि इस बार रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम आईपीएल के फेज 2 में कुछ अलग ही नजर आने वाली है। लेकिन रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की इस टीम को देखकर बाकी फ्रेंचाइजी टीमों के लिए यहां पर मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं, साथ ही उनके वॉस भी उड़े हुए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की नई प्लेइंग 11 क्या होगी आईपीएल 2021 के फेज 2 के लिए, और साथ ही साथ इस टीम में कौन कौन से नए खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, तो साथ ही टीम का हेड कोच अब कौन होगा, तमाम जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो दोस्तों, बने रहे वीडियो के पूरे अंत तक। और साथ ही आप भी चाहते कि रॉयल चैलेंजर बेंगलोर इस बार शानदार परफॉर्मेंस करके आईपीएल 2021 का खिताब जीते, तो कर दीजिए इस वीडियो को दिल से एक लाइक। साथ ही दोस्तों, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपकी फेवरेट आईपीएल टीम कौन सी है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं पर दोस्तों, आईपीएल 2021 में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम ने काफी शानदार परफॉर्मेंस किया है अब तक, और अपने खेले हुए 7 में से 5 मुकाबले जीत लिए हैं और 10 अंकों के साथ इस समय ये टीम तीसरे नंबर पर मौजूद है। वहीं पर इस टीम के लिए आईपीएल फेज 2 का आगाज काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि उसी प्रकार की लय एक बार फिर इस टीम को पकड़नी होगी। लेकिन दमदार खिलाड़ियों से सजी ये टीम काफी शानदार परफॉर्मेंस कर सकती है। इस टीम के पास विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, देवदत्त पड्डीकल, ग्लेन मैक्सवेल जैसे खतरनाक बल्लेबाज मौजूद है, तो वहीं पर मोहम्मद सिराज, युजवेंद्र चहल जैसे गेंदबाज भी इस टीम के पास है। यानी कि इन दमदार खिलाड़ियों के दम पर एक बार फिर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर आईपीएल 2021 के फेज 2 में भी कमाल करने वाली है। हालांकि इस टीम के पास अब तक एक भी आईपीएल की ट्रॉफी नहीं है, लेकिन इस बार कुछ अलग करने के मंसूबे से ये टीम उतरने वाली है। इसके चलते अपनी टीम में कई बड़े बदलाव भी किए हैं आरसीबी ने। सबसे पहले हम बात करें आरसीबी की टीम की तरफ से, सबसे बड़ा बदलाव केटिच की जगह पर माइक हेसन को अपना नया कोच बनाया है। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के फैंस के लिए एक बड़ी अपडेट ये है कि टीम के हेड कोच साइमन केटिच ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। केटिच ने व्यक्तिगत कारणों के चलते अपना यह पद छोड़ा है, जिसके चलते अब हेसन को यहां पर यह जिम्मेदारी दी गई है। माइक हेसन को अब इस सीजन के अंत तक कोच की जिम्मेदारी दे दी गई है। इससे पहले वो टीम के क्रिकेट ऑपरेशन के डायरेक्टर थे। वहीं पर आपको बता दें कि रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का मुकाबला 20 सितंबर को कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ होना है। वहीं पर अब हम बात करते हैं आखिरकार टीम ने अपने खिलाड़ियों के रूप में भी कई बड़े बदलाव किए हैं इसके बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने अपनी टीम में 3 नए खिलाड़ी शामिल किए गए हैं। इनमें से सबसे पहला नाम आता है एडम जेम्पा के रिप्लेसमेंट के तौर पर श्रीलंका के लेग स्पिनर वनिंदु हसरंगा को अपनी टीम में जोड़ा है। तो वहीं पर इसके अलावा दूसरे खिलाड़ी की बात करें तो वो है तेज गेंदबाज दुश्मनता चमीरा, श्रीलंका के। टीम में डेनियल सेम्स की जगह पर इन्हें शामिल किया गया है। तो वहीं पर केन रिचर्डसन के विकल्प के रूप में सिंगापुर के टीम डेविड को आरसीबी ने अपनी टीम का हिस्सा बनाया है। यानी कि 3 बड़े बदलाव अब अपनी टीम में यहां पर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने किए हैं। इसके बाद ये टीम और भी मजबूत हो चुकी है। वहीं पर अब इन सभी बदलावों के बाद हम जानते हैं कि रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की नई प्लेइंग 11 किस प्रकार की दिखने वाली है, क्योंकि टीम के पास कई खतरनाक खिलाड़ी अब आ चुके हैं, जिसके बाद यहां पर पूरी तरह से रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की प्लेइंग 11 भी बदलने वाली है। तो दोस्तों, इन सभी बदलावों के बाद रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की तरफ से ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे हमें देवदत्त पड्डीकल और विराट कोहली। दोनों ही यहां पर टीम को बेहतरीन शुरुआत दिला सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, नंबर 3 पर रजत पाटीदार हमें खेलते हुए दिखेंगे, तो नंबर 4 पर ग्लेन मैक्सवेल दिखेंगे, नंबर 5 पर एबी डिविलियर्स दिखेंगे, तो नंबर 6 पर वाशिंगटन सुंदर हमें खेलते हुए नजर आएंगे। इसके बाद नंबर 7 पर वनिंदु हसरंगा को मौका मिलेगा, तो नंबर 8 पर काइली जेम्सन हमें खेलते हुए नजर आएंगे, नंबर 9 पर हर्षल पटेल दिखेंगे, तो नंबर 10 पर मोहम्मद सिराज दिखने वाले हैं। इसके बाद नंबर 11 पर युजवेंद्र चहल दिखेंगे। यानी कि टीम और भी मजबूत प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतर रही है। तो दोस्तों, आईपीएल 2021 के फेज 2 में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर अपनी इस प्लेइंग 11 के साथ उतरती है, तो आपको क्या लगता है बाकी टीमों के लिए वो एक चुनौती फेस कर सकती है या फिर नहीं, आप हमें अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का।